चलो, इस क्वेश्चन में आपके सामने एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है और इस मॉलिक्यूल में कुछ कार्बन का नंबरिंग किया हुआ है, एक स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी में। और आपसे पूछा गया है कि जो नंबर्ड कार्बन है इनका हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो ध्यान देंगे, जहाँ पे ए का नंबरिंग किया हुआ है वहाँ पे कार्बन में आप अगर बॉन्ड को देखो तो उसमें तीन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक कार्बन कार्बन क्या है, बॉन्ड है। तो इसमें चूंकि चार सिग्मा बॉन्ड है तो 4 सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर क्या जीरो है, तो इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा, चलो इसे होगा sp3। जो बी पॉइंट है उसमें देखना, उसमें सिग्मा बॉन्ड का नंबर क्या होगा, एक, और यहाँ पे एक होगा और यहाँ पे एच के साथ एक होगा। इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर जीरो है, यानी इसका समेशन 3 होगा और हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। ठीक है, जो पॉइंट सी है, सी पॉइंट पे एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक सिग्मा बॉन्ड इस साइड में, एक सिग्मा बॉन्ड इधर है। ठीक है, तो इसमें भी ती क्या है, पॉइंट सी पे जो कार्बन है उसका भी 3 सिग्मा बॉन्ड है। लोन पे तो जीरो होता कार्बन पे नॉर्मली यहाँ पे, तो आपका जो हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाइब्रिडेशन होता है sp2। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ए का होगा sp3, बी एंड सी दोनों का होगा sp2, यानी डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अगर आपको इतना पता नहीं है कि हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे तो सिंपली ध्यान देना, जिस भी एटम का आपको हाइब्रिडेशन पता करना होता है उसमें आप रूल के अप्लाई करते हो, उस एटम का आपको निकालना सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर निकालना है, लोन पेयर निकालना है और दोनों को ऐड कर देना है, दोनों को ऐड करना है, उसको हम लोग बोलेंगे एन। और इस एन का वैल्यू अगर 2 होता है तो हाइब्रिडेशन को बोलते हैं हम लोग sp। अगर यह वैल्यू होगा 3 तो होता है sp2, अगर 4 होगा तो होगा sp3, और ये वैल्यू 5 हो जाए तो क्या हो जाएगा, sp3d, एंड 6 हो जाए तो क्या बोलो, चलो ये हो जाएगा sp3d2, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से आप हाइब्रिडेशन पता कर सकते हो। तो बच्चों लोग, इस तरह के क्वेश्चन का एनालिसिस के लिए और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपसे गिवन मॉलिक्यूल में जो कार्बन का नंबरिंग कर दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जो कार्बन नंबर जो भी नंबर्ड है उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो ध्यान देंगे, पोजिशन नंबर 1 पे जो कार्बन है उसमें क्या है, उसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, 2 H के साथ और एक CC के साथ। तो 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा sp2। पोजिशन नंबर 2 जो है उसमें सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना होगा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड होगा, यानी इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp। पोजिशन जो 3 है उसमें कितना सिग्मा बॉन्ड होगा बच्चों लोग, तो ध्यान देना, थर्ड पोजिशन पे जो है उसमें एक कार्बन कार्बन का यहाँ बॉन्ड राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है, और एक बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड होगा विथ हाइड्रोजन के साथ। ठीक, तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होगा कार्बन नंबर थर्ड में, यानी इसका भी हाइब्रिडेशन होगा sp2। और राइट वाला जो फोर्थ कार्बन है उसमें 3 H के साथ सिग्मा बॉन्ड होगा और एक CC सिग्मा बॉन्ड होगा, तो नेट सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, तो नेट सिग्मा बॉन्ड का नंबर होगा 4, यानी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3। तो 1 से जब 4 मूव करोगे तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 देन sp देन sp2 और देन sp3। तो ऑप्शन देखो बच्चों लोग, sp2 sp sp2 एंड sp3, और अब देखोगे तो मैच कहाँ कर रहा है, तो मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो ये था बच्चों लोग हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट। अगर आपको हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो ध्यान देना, जिस भी एटम या आयन का हमको हाइब्रिडेशन निकालना होगा तो उस एटम में ध्यान देना, उस एटम में आपको पता करना होगा कितना सिग्मा बॉन्ड है बना रहा हो एटम उस आयन या मॉलिक्यूल में, और उस पर कितना लोन पेयर है, दोनों के सम को हम लोग अगर एन बोल दें तो एन का वैल्यू के अकॉर्डिंग हाइब्रिडेशन चेंज करता है। तो एन का वैल्यू 2 होगा तो हाइब्रिडेशन sp होगा, 3 में क्या होगा sp2 होगा, 4 में क्या होगा sp3 होगा, अगर n का वैल्यू 5 होगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3d होगा, 6 होगा तो क्या होगा sp3d2 होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो बच्चों लोग, इस तरह के क्वेश्चन का एनालिसिस के लिए और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एक्सपेरिमेंटली इसमें से कौन सा होगा जिसको हम फंक्शन के ऊपर रिड्यूस करने के लिए यूज नहीं करते हैं। तो ध्यान देंगे, जिंक वाटर हम लोग यूज करते हैं, चेक
PdCH2 कार्बन एन एस टू पी डी एन कार्बन एन एस टू, इसको भी हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। तो नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करते हैं सोडियम एन प्लस हाइड्रोजन को। रीजन है कि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो सिंपल तरीके से वो रिड्यूस नहीं करता है, उसमें और भी पॉसिबल पार्ट फॉर्म कर सकता है। तो एक्सपेरिमेंटली जो होता है सोडियम एंड हाइड्रोजन का यूज करके हम लोग फंक्शनों को रिड्यूस नहीं करते हैं। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल फॉर 1-2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो ध्यान देंगे साइक्लोप्रोपेन में अगर पोजीशन 1 और 2 पर अगर मिथाइल ग्रुप जोड़ते हो तो इसमें जोड़ने का दो तरीका पॉसिबल है, जब दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड होगा यानी सिस कॉन्फिगरेशन, और जब दोनों मिथाइल क्या होगा अपोजिट साइड होगा यानी ट्रांस कॉन्फिगरेशन में। अब ध्यान देना जो ट्रांस कॉन्फिगरेशन है उसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उसमें कायरल सेंटर्स है, यानी आपका कायरल सेंटर है प्लस इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, जबकि आपका जो सिस वाला फिगर है उसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो हमें दिख रहा है। अगर आप प्लेन को पास करोगे यहाँ बीच से तो क्या होगा फिगर 2 इक्वल पार्ट बढ़ जाएगा, तो इसको हम POS बोल सकते हैं। तो ये फिगर जो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, बट ट्रांस जो फिगर है वो क्या होगा चलो ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव। आपको पता है कि जब भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो उसमें मॉलिक्यूल का पॉसिबिलिटी दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। पहला तरीका है कि मॉलिक्यूल अपने डी फॉर्म हो सकता है, दूसरा एल फॉर्म हो सकता है। यानी जो ट्रांस है ट्रांस का 2 फॉर्म पॉसिबल है, एक ट्रांस का डी फॉर्म और एक ट्रांस का एल फॉर्म। तो टोटल जो पॉसिबिलिटी होगा स्टीरियोसोमर्स का वो होगा 3, सिस ट्रांस का डी फॉर्म, सिस मतलब 1 कर देते हैं, ट्रांस का डी फॉर्म मतलब 2 कर देते हैं, और थर्ड जो पॉसिबिलिटी है ट्रांस का एल फॉर्म उसको हम 3 कर देते हैं। तो टोटल आइसोमर कितना होगा चलो, तो आइसोमर होगा 3। वो चलो इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए और उससे जुड़े कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे बोला कि करेक्ट नेम क्या होगा, तो ध्यान देना यहाँ पे आपका सेम पोजीशन में अल्किन भी है अल्काइन भी है, प्लस अल्किन के पास ब्रोमीन जो है ब्रांच के फॉर्म है। तो मतलब इसका मतलब हम लोग जब नेम लिखेंगे तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन का जो काउंटिंग करेंगे उसका स्टार्टिंग होगा अल्किन के साइड से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 2 पोजीशन में ब्रोमो है, तो 2 पर ब्रोमो ऑप्शन कहाँ का दिख रहा मुझे, ये दिख रहा ऑप्शन ए एंड डी में। अब ध्यान देना आपका जो अल्किन होगा 2 पे स्टार्ट होगा, तो 2 पे अल्किन स्टार्ट कहाँ दिया हुआ है, 2 पे अल्किन होगा एंड 4 पे अल्काइन होगा। तो 2 in 4 आइन का अगर हम ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, ए और डी में हमको मेनली चेक करना है। तो 2 in 4 आइन का जो ऑप्शन दिख रहा है बच्चों लोग, और आपको पता है कि इन और आइन में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, तो पहले आता है इन, तो पहले हम अल्किन को लिखेंगे फिर अल्काइन का सफिक्स को यूज करेंगे, यानी 2 n 4 आइन होना चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो उसमें पूरी तरह से फिट बैठ रहा है। प्लस हम अगर बात करते हैं कि 2 पोजिशन में अल्किन है उसका टाइप कैसा होगा ई एन जेड, तो इस पॉइंट पे आप देखना ब्रोमीन एंड मिथाइल है उसमें प्रायरिटी किसको दोगे, ब्रोमीन को दोगे, और इस थर्ड पॉइंट पे जो है उसमें एच है और ये बड़ा ग्रुप है इसको प्रायरिटी दोगे आप 1। तो ये प्रायरिटी 1 यहाँ लेगा और प्रायरिटी 1 यहाँ लेगा, दोनों प्रायरिटी 1 क्या है अपोजिट साइड है। तो इस जो डबल बॉन्ड का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा जो 2 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है उसको हम ई बोलेंगे, क्या बोलेंगे ई बोलेंगे। तो बेसिकली क्या होगा आपका करेक्ट नेम होने वाला है 2E2BH2IN4IN। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मिलते हैं हम लोग। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा पेयर है जिसमें मेटामरिजम शो कर रहा है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे मेटामरिजम को शो करने के लिए आपके फंक्शनल ग्रुप से डिफरेंट अल्काइल चेन अटैच होना चाहिए। तो ध्यान देना जो ऑप्शन ए है उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है जिसके दोनों साइड अलग अलग फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, अल्काइल चेन मुझे दिख रहा है, यहाँ भी दिखेगा आपको। तो इन दोनों फिगर में ना अल्काइल चेन जो होगा डिफरेंट अटैच होगा, यानी ऑप्शन ए में जो दोनों पेयर दिया हुआ है उसको हम मेटामर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों लोग इसका आंसर होगा आपका ए। बाकी ऑप्शन को भी हम चेक कर लेते हैं, तो बाकी ऑप्शन जब चेक करोगे तो इसमें ध्यान देना जो बी है बी को आपको बोल सकते हो पोजीशन आइसोमर, यहाँ पे पोजीशन 1 पे है अल्कोहल, यहाँ पोजीशन 2 पे अल्कोहल है, तो होगा पोजीशन आइसोमर।
सी में जो पेयर है उसमें एक एल्डिहाइड एक कीटोन है, तो दोनों कैसा बिहेव करेगा? जे बिहेव करने वाला है फंक्शनल आइसोमर्स, और जो डी में ऑप्शन है ये बिहेव करेगा चेन आइसोमर, क्योंकि इनका चेन लेंथ अलग अलग आने वाला है। ठीक है बच्चों लोग, ए था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यानी आपका ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में पूछ आपसे इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो स्टीरियोसोम शो नहीं करेगा, तो ध्यान देना आपको नाम लिखा हुआ है, नाम को स्ट्रक्चर में ड्रॉ करो आपको इजीली दिखने वाला है। तो पहला हम लोग ड्रॉ करते हैं 3-thyl-hex-3-ene को, तो यानी हेक्स मतलब 6 कार्बन, और थर्ड पोजिशन पे क्या होगा एल्किन लगा देंगे, और थर्ड पोजिशन में इथाइल ग्रुप है तो उसको भी लगा देते हैं, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और थर्ड पोजिशन में इथाइल ग्रुप जोड़ देंगे हम लोग। तो ध्यान देना अब देखोगे कि जो थर्ड पॉइंट पे दो सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है, दो इथाइल लिंक है, यानी इधर का ग्रुप यहाँ ग्रुप सेम हो चुका है। इसका मतलब ये जो डबल हम ड्रॉ कर रहे हैं इसमें कोई भी सिस ट्रांस जैसा कोई भी यानी और ईवीजेड जैसा कुछ भी शो नहीं करने वाला है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यानी डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि ऑप्शन ए जो होगा इसमें कोई भी ज्योमेट्रिकल यानी स्टीरियोआइसोमर शो नहीं करने वाला है। ठीक अब एक सेकेंड हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन तो हम लोग देख चुके हैं, तो बस आपकी क्यूरियोसिटी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं बाकी को चेक करते रहे एक बार। ध्यान ना 3,4-dimethyl-hex-3-ene, तो हेक्स 3-ene में अगर हम 3,4-dimethyl का बात करें तो 3 एल्कीन होगा, एक मिथाइल 3 पे होगा, एक मिथाइल क्या होगा 4 पे होगा। तो अब देखना जहाँ पे आपका एल्कीन एंड हो रहा है, एंड पॉइंट है, वहाँ पे दो 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 ग्रुप अलग अलग जुड़ा हुआ, मतलब ज्योमेट्रिकल शो करेगा, जी आई शो करने वाला है। जो सी ऑप्शन है उसमें दिया 3-methyl-hex-1-ene, तो 3-methyl-hex-1-ene में ये 1 पे एल्कीन बन गया और 3 पे मिथाइल है, 1, 2, 3। तो ध्यान ना इस केस में क्या होगा, ये जो आपका कार्बन है, ये जो कार्बन पॉइंट हम लोग मार्क कर रहे हैं, कार्बन पॉइंट पे 4 अलग अलग ग्रुप अटैच हो चुका है, एक ग्रुप ए वाला, एक ग्रुप ए और एक ग्रुप हाइड्रोजन होगा, यानी ये जो पोजीशन है कायरल होगा, कायरल सेंटर की तरफ बिहेव करेगा, यानी ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करने वाला है। तो सी में भी क्या होगा स्टीरियोआइसोमर शो करेगा। डी ऑप्शन जो है 4-methyl-hex-1-ene, तो 4-methyl-hex-1-ene में चलो अब ध्यान देना जो ये पोजीशन अपने पास है इसमें देखना आपके पास 4 अलग अलग ग्रुप आपको दिखेगा, एक ग्रुप ए वाला, एक ग्रुप यहाँ पे और एक हाइड्रोजन दिखेगा, यानी ये भी क्या होगा ये ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है, यानी इसके अंदर भी स्टीरियोआइसोमर शो करने का पॉसिबिलिटी है। तो अगर इन सबको देखोगे तो ऑप्शन जो 1 है उसमें ही क्या है कोई भी ऑप्टिकल शो नहीं करेगा और कोई भी ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, यानी एक कंपाउंड जो है कोई भी स्टीरियोआइसोमर शो नहीं करने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चे लोग, ये होगा इसका ए। इस क्वेश्चन के जैसे आंसर्स के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चे लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जैसा कंपाउंड होगा जिसमें रेजोनेंस एग्जिबिट नहीं करने वाला है। तो ध्यान देंगे रेजोनेंस होने के लिए कंजुगेशन चाहिए, तो यहाँ देना यहाँ लोन पे के बगल में डबल बॉन्ड है, तो जब भी लोन पे के बगल में डबल बॉन्ड होगा तो उसमें कंजुगेशन हो सकता है, नहीं रेजोनेंस हो सकता है। रेजोनेंस का ही एक और नाम होता है कंजुगेशन। ठीक तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या है कि ओ के लोन पे के साथ में बगल में डबल बॉन्ड है तो यहाँ रेजोनेंस हो सकता है। ठीक बेंजीन रिंग में क्या है, बी ऑप्शन में रिंग के अंदर रेजोनेंस हो सकता है। ऑप्शन डी जो है डी में अमाइड ग्रुप है, तो अमाइड ग्रुप में क्या होगा एन का लोन पेयर और सी डबल बॉन्ड ओ के पाई बॉन्ड में क्या होगा कंजुगेशन हो सकता है। ठीक ऑप्शन सी में ध्यान देना, ऑप्शन सी में डबल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में के लोन पेयर के बीच में कार्बन आ गया जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है, तो यानी यहाँ पे आपका रेजोनेंस कनेक्शन ब्रेक कर जाएगा, यानी इस केस में रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन जैसा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लोन पेयर और कार्बन के बीच में
sp3 कार्बन आ चुका है जो इस कंजुगेशन को सपोर्ट नहीं करेगा। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो होगा जो करेक्ट नहीं होगा, तो ध्यान देना। तो आपके सामने एक मैं ड्रॉ कर देता हूं। ठीक, तो फिगर मैं ड्रॉ कर दिया हूं। अब ध्यान ना, अगर हम बॉन्ड को क्लीव करेंगे तो बॉन्ड को तोड़ेंगे बच्चों लोग, तो यहां पे एक बॉन्ड तोड़ने पे, पाई तोड़ने पे यहां चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, और यहां आएगा पॉजिटिव, फिर यहां नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह का पॉलिटी बिल्ड होने वाला है अगर बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो। अब देखते हैं कि कौन सा पॉलिटी हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ध्यान देना, आपका जो ऑप्शन ए है, ये पॉलिटी हमारे किसी भी सिस्टम में आपको नहीं दिखेगा, यानी इस पॉजिटिव के पास में ये पॉजिटिव बना दिया है। तो लाइक चार्ज क्या करेगा बच्चे लोग, रिपल करेगा, और सिस्टम को क्या करेगा, हाईली अनस्टेबल करेगा। सिस्टम को क्या करेगा बच्चे लोग, हाईली अनस्टेबल करेगा, यानी ऑप्शन जो ए होगा वो इन इस फिगर का रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है बच्चे लोग, इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए और उससे जुड़े कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चे लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने कुछ कटायंस का लिस्ट दिया हुआ है और बोला है उसको उसको उनके स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो ध्यान देना, इसमें आपके ऑप्शन ए में जो कटायंस में रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस ऑप्शन बी वाले में डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव है जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। ऑप्शन सी में आपके पास अल्फा एच है जहां पे हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, तो सी का स्टेबिलिटी क्या होता है, बी से तो बेटर होगा। ऑप्शन डी में ट्रिपल बॉन्ड पे पॉजिटिव है, आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड का मतलब उसमें हाईली एस करेक्टर हो जाता है, यानी जो कार्बन होगा उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू है काफी इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे sp कार्बन है, तो इस पे पॉजिटिव क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। तो और ऑर्डर को देखें तो हाईएस्ट बेटर सबसे स्टेबल कटायन होने वाला है ऑप्शन ए, जहां रेजोनेंस होगा, देन सी जहां पे हाइपर कंजुगेशन होगा, उसके बाद होगा बी डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव, और लास्ट में ए होगा। अब ध्यान, लास्ट में डी होगा। तो ध्यान देंगे बी और डी जो दोनों है, दोनों स्टेबल कटायन नहीं है, दोनों पे डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड पे पॉजिटिव बन चुका है। जब भी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड पे पॉजिटिव बनता है केमिस्ट्री में, तो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। तो ये होगा हाईली अनस्टेबल। ठीक है, तो बी और डी में स्टेबिलिटी का बात ही नहीं आता, बी और डी दोनों का स्टेबिलिटी हाईली अनस्टेबल है, ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन बनता ही नहीं केमिस्ट्री में है। ठीक, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, acbd। acbd कहां दिख रहा है आपको बच्चों लोग, ऑप्शन डी में। तो ये होगा करेक्ट आंसर। बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन और उसके एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में क्या है, आपका एक स्टेटमेंट वन है एंड टू है। तो ध्यान देंगे, हाइपर कंजुगेशन इज ए परमानेंट इफेक्ट, ये सही है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो अल्फा पोजिशन का sp3 जो कार्बन है, वो बगल वाले कटायन के साथ के वैकेंट पी ऑर्बिटल में अपने डेंसिटी को सप्लाई करेगा, अपने डेंसिटी को क्या करेगा बच्चे लोग, सप्लाई करेगा। ठीक, तो ध्यान देना, यानी पहला शब्द में करेक्ट होगा। सेकंड में क्या बोला है, द इथाइल कटायन इन्वॉल्व द ओवरलैपिंग ऑफ CsP2 एंड H बॉन्ड विथ Mt2p ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन। तो ध्यान देना, यहाँ पे जो ऑर्बिटल यूज किया हुआ है, इथाइल कहीं दिखा रहा है आपको, तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल यूज किया हुआ है, इसमें सी यूज किया है, sp3 ऑर्बिटल को यूज किया गया है, और sp3 ऑर्बिटल के साथ यहाँ पे H का ऑर्बिटल है, sp3 एंड H का 1s ऑर्बिटल होगा, C का sp3 एंड H का 1s। और आपके स्टेटमेंट टू में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे sp2 लिखा हुआ है, इसलिए क्या होगा, ये हो जाएगा रॉन्ग। ठीक, तो आपका स्टेटमेंट टू क्या होगा, रॉन्ग। तो आपका स्टेटमेंट वन करेक्ट होगा, टू रॉन्ग होगा, इसका मतलब इसमें करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ए। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए और हमारे साथ नए नए कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए बने रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ कि मेसेटाइल ऑक्साइड इज अ कॉमन नेम ऑफ, तो बेसिकली आपके कॉमन नेम से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपके एनसीईआरटी में कॉमन नेम दिया भी हुआ है, आपको सिंपली क्या करना है, एनसीईआरटी को एक्सप्लोर करना है और अपने आपका आंसर इजिली मिल जाएगा। तो ध्यान देंगे, मेसेटाइल ऑक्साइड का मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए। तो ये कुछ ऐसा होता है, तो
इसका अगर हम लोग नाम लिखेंगे तो इसमें कीटोन ग्रुप है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे बच्चों लोग, नंबरिंग करेंगे लेफ्ट साइड से 1, 2, 3, 4, 5। इसमें क्या होगा, 4-methyl पेंट 3-in and 2-on होगा, यानी आपका ऑप्शन जो ए होगा ये होगा करेक्ट। बच्चों लोग इस तरह के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों ध्यान देना, इस क्वेश्चन पूछ आपसे कि द करेक्ट पेयर ऑफ द एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल इज और आर। तो ध्यान देना, जो साइनाइड होता है सीएन होता है, इसका दो तरीका है जुड़ने का, एक सी से, एक एन से। सी से कब जुड़ता है, जब आपके पास रहेगा केसीएन, और एन से कब जुड़ता है, सी से जुड़ने के लिए केसीएन यूज करोगे और एन से जुड़ने के लिए आप यूज करोगे एजीसीएन। सिमिलरली आपका एक NO2 होता है, NO2 में क्या होता है, एक N सेंटर होता है, एक O सेंटर होता है। अब सिस्टम O से कब लिंक होगा, जब आप यूज करोगे KNO2, और N से कब लिंक होगा, जब आप यूज करोगे AgNO2। तो ध्यान देना, आपका जो ऑप्शन A है एन सी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल को, यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शंस में होगा होगा स्मॉल A, यानी A कैपिटल एन कैपिटल सी आर एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चों लोग इस तरह के कॉन्सेप्ट और उसके एक्सप्लेनेशन को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग ध्यान देना, आपसे पूछ रहा है कि कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O क्या शो कर सकता है। ध्यान देना, C3H6O में तो ये तो हम फिक्स है ना, ये एसीटोन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है और आपके एल्डिहाइड को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, इतना तो फिक्स है कि ये दोनों कंपाउंड तो पक्का बनेगा। इसका मतलब दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है हम लोग को, तो इतना तो हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि दो ये जो है, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को शो करेगा। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आपके पास चार फिगर दिया हुआ है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंड कैपिटल डी, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें किस किस कटायन में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो सकता है। तो ध्यान देना, जो ऑप्शन ए में कटायन लिखा हुआ है इसमें बेंजीन का क्लाउड मूव करके रेजोनेंस कर सकता है, तो यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबिलिटी आपके पास होगा। बी में जो कटायन है, बी में कटायन के जस्ट बगल में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है और आपका कटायन स्टेबिलिटी को गेन कर सकता है। ऑप्शन सी में ध्यान देना, कटायन के बगल वाला कार्बन sp3 हो चुका है, यानी कॉन्जुगेशन या ब्रेक हो चुका है, यानी यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है, तो इस कटायन में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन डी में क्या है, कटायन आपके डबल बॉन्ड के ऊपर है और ऐसा कटायन रेजोनेंस नहीं करता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं रेजोनेंस कंडीशंस में कि डबल बॉन्ड के ऊपर अगर डाटे चार्ज पॉजिटिव होगा तो उसको आप रेजोनेंस नहीं करवा सकते हो, यानी सी और डी में कोई भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मौजूद नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो किस में होगा, तो ओनली ए एंड बी में, यानी आपका करेक्ट आंसर होगा स्मॉल डी। बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए और उसके एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।